टोपी पहन के फिर तस्वीर खींचे ना। ये हम लेकलैंड पहुंच गए हैं। ये लेकलैंड ऑरलैंडो और टैंपा के दरमियान एक शहर है लेकलैंड, तो वहां से गुजर रहे हैं और अभी हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। क्या सीन है भाई, ये इस सैंड की वजह से इसे क्लियर वाटर बीच कहते हैं, क्योंकि ये आपको जो व्हाइट सैंड है ना, ये आपको इवन अटलांटिक ओशन में कहीं और नहीं मिलेगी। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको पे इस साइड पे सारी ये सैंड है, इसलिए इस एरिया को या ये बीच दुनिया के टॉप 10 बीचेस में से सैंड की वजह से। आज तो मैं भी पानी में जाऊंगा। और इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना साफ पानी, यहाँ बैठ के इतना मजा आ रहा है ना। अब हम जा रहे हैं क्लियर वाटर बीच टूअर ड्राइव है, और सुनने में आ रहा है कि ट्रैफिक बहुत है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलते हैं। नौमी भाई अपने क्लिनिक पे हैं, उनको हमने रास्ते में से लेना है, और भाभी जो है वो गाड़ी चला रही है। ये देखें, नौमी भाई को लेने के लिए आए हैं उन जी क्लिनिक, वो हमारे साथ जाएंगे। आपका तो क्लिनिक कम 5-स्टार होटल ज्यादा लगता है। गुरु के लिए तो आपको फिर सजाना पड़ता है ना। जबरदस्त, ये बेगम साहब ने सारी सेटिंग कर दी। अच्छा, ये आपकी ये सारी है फूल? हाँ जी, हाँ जी, मतलब फूल तो बने बनाए होते, लेकिन सेटिंग। अच्छा, सेटिंग खुद करती हैं? सेटिंग। वाह, जबरदस्त। चले जी। हाँ जी, किधर जा रहे हैं आप? क्लियर वाटर बीच जा रहे हैं जी। अच्छा, सफेद रेत के ऊपर नाचू कूदेंगे नीले पानी के साथ। नीला पानी, नीला पानी, सफेद रेत। हाँ हाँ। चले, ये पब्लिक है जी, ये यहाँ की लोकल चेन है। अच्छा, ये जगह का क्या नाम है पब्लिक? इस दुकान का। अच्छा, ये चेन है। अच्छा, खाने पीने का और ये जो सारा। अच्छा, ये जो पब्लिक का स्टोर, इस जगह का क्या नाम है? ये जगह है डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट, डेवनपोर्ट पोर्ट। ओके, शहर का नाम डेवनपोर्ट। जी नौमी भाई, ये हम लेकलैंड पहुंच गए हैं। ये लेकलैंड ऑरलैंडो और टैंपा के दरमियान एक शहर है लेकलैंड, तो वहां से गुजर रहे हैं और अभी हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। सफेद बीच, नीला पानी। ओए होए, अचानक 10 मिनट बाद बारिश होती है, फिर रुक जाती है। क्लैश हो रहा है जी, ठंडे गर्म बादल का क्लैश। ऊपर ये ले, बारिश हो खत्म। 2 मिनट बारिश हुई, अब फिर रुक गई। कई जगह तो इतनी बारिश होगी लगेगा तूफान आ जाएगा आज, यानी फ्लडिंग हो जाएगी, और 2 सेकंड बाद खत्म। 2 सेकंड बाद खत्म। भाजी ये है जी, ये फ्लोरिडा।
तो ये जी हम टैंपा पहुंचेंगे, लेकिन जो ऑरलैंडो टैंपा का रास्ता है इसमें हमारे मल्टीपल स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये ट्रैफिक के जो है ना स्पॉट्स आएंगे। तो अभी ये लेकलैंड के पास आया, पहले डेवनपोर्ट आया, अब नेक्स्ट जो है ये टैंपा का जो अर्ली स्टार्ट का एरिया उसमें प्रॉब्लम आएगा, फिर टैंपा सिटी में आएगा, तब जाके हम क्लियर वाटर पहुंचेंगे। इतने जान जोखिम करके हम जी व्हाइट सैंड और ब्लू पानी में पहुंचेंगे, देखें। और ये रूटीन है, ये रूटीन है डेली की, यही रूटीन, ये भी वीकडेज है। अच्छा वीकडेज में ये हाल है, नहीं वीकडेज भी ट्रैफिक बहुत है ना। इसकी भी एक, इसकी क्या है, इसकी भी एक स्टोरी है कि अमेरिका में ये लोग बनाने नहीं देते पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है। यहाँ पे जो सेनेटर्स वगैरह या ऑयल कंपनीज हैं वो लॉबिंग करके यहाँ पे आपको ट्रेनें और आपका मास ट्रांसिट सिस्टम यूरोप की तरह नहीं बनाने देते। भाजी फंसे हुए हैं हम यहाँ, अफजल भाई और मैं, हम लाइनों में लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है जी, पहुँच नहीं, हम जो है ना कोशिश पूरी लगे हुए कि जल्द जल्द हम जो है वो समुंदर पे पहुँच जाए, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस। अब उसके लिए ये ट्रैफिक भुगतनी है तो भुगतनी है। तो ये देख रहे हैं सारा रेड है इस वक्त, टैंपा सिटी गुजरेंगे तब जाके कुछ सुकून आएगा, उस वक्त तक तो अब ये ड्रामा चलेगा। और एक दफा अगर आपके पॉइंट लग जाए आपकी $1,500 बढ़ जाती है 3 साल के लिए, तो आपको एक दो पॉइंट जो है ना वो आपको 3 साल में जाके $3,000-4,000 के जा पड़ते हैं। उससे डरते हुए लोग जो है मामे से डरते हैं सारे। हालांकि मामा तो बड़ा प्यार करने वाला होता है, लेकिन ये वाला मामा प्यार करने वाला नहीं है। किसी शहर के अंदर कैसीनो नहीं हो सकता, वेगास तो सारा वो तो है ही कैसीनो है ही सारा कैसीनो। उसके अलावा पूरे अमेरिका में कैसीनो अगर बनाना है तो शहर से बाहर बनाना है, और कुछ शहरों में तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि आप जमीन पे नहीं बना सकते, पानी के अंदर जाके बना कि पानी के अंदर पाक है, मिट्टी पे जो है ना पाक है, ये बकायदा बहुत सही लॉज है, स्टेट के लॉज रहता है ना गंदा पानी, स्टेट लॉज है, आयवा का लॉ है कि आप जमीन पे नहीं बना सकते, आप दरिया में बनाए या लेक के अंदर बनाए। तो उन्होंने कश्त मतलब लेक के अंदर या उसके अंदर वहां पे कंक्रीट डाल के वहां किसी ने खड़ा किया। तो यहाँ भी ऐसे ही है, देखिए शहर के बाहर है ये मुझे भी पहली दफा पता चला। लेकिन आपको इंशाल्लाह पहुंचाते हैं जी, आप ही इंतजार कर रहे होंगे, देखिए अभी पहुंचते हैं क्लियर बीच। अच्छा ये कौन सा वही शहर है अपना, टैंपा डाउनटाउन आ गया। मेजॉरिटी बिल्डिंग्स हैं वो बैंकों की हैं, वो टूरिस्ट बैंक है, वो PNC है। अच्छा ये बैंकों के पास मेजॉरिटी पैसा, वेल्स फार्गो होगी, तो ये मेजॉरिटी डाउनटाउन में बिल्डिंग है जो बैंक्स के पास, बैंक की बिल्डिंग्स है। अब कितना रास्ता रह गया जी, अब इस वक्त टैंपा शहर आ गया, अब हमने पहुंचना है क्लियर वाटर, तो अब अगला शहर जो इसके बाद क्लियर वाटर आएगा। चलिए 45 मिनट अभी भी इतना तो होगा, 45 मिनट अभी भी है, बिल्कुल शहर गुजरे, ट्रैफिक ना हो तो फिर तो घंटे का ही है, ट्रैफिक ना हो तो पूरा घर से यहाँ 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 मैक्सिमम ट्रैफिक का इशू है।
और बिल्कुल टैंपा एयरपोर्ट के हम साथ से गुजरेंगे, ये रनवे के पास है। रास्ते में इतना खूबसूरत नज़ारा कि हमें यहाँ रुकना पड़ा। और हमने यहाँ कुछ तस्वीरें बनाई। और यहाँ से क्लियर बीच बस आधे घंटे का रास्ता रहता है। पत्थर तो होंगे और जी भाभी ये गहरा नहीं है, रेत है, पत्थर है, पत्थर है लेकिन। हाँ लेकिन पत्थर पे कैसे, अंदर शायद रेत हो, अंदर रेत हो, थोड़ा इनिशियल पत्थर होगा। हाँ जी ये 2 फुट है, अच्छा 3 फुट है, 4 है, यहाँ इसमें लिखा आ रहा है, ऐप पे आ रहा है ना, ये रेत है, ये वो रेत तो है, ये 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, तो ये आगे कुछ हद तक वॉक हो सकती है, बहुत आगे जा सकता बंदा, आगे जाके फिर दरमियान में थोड़ा सा 15 फुट पे आ जाता है, लेकिन ये 2-3 सीन देखे, क्या सीन है भाई, डॉल्फिन बहुत है, डॉल्फिन तो जंप मारती है, बाहर डॉल्फिन तो है, देखिए जब आप बोट पे होते हैं ना तो इतना खुश हो कि जब मारती है साथ के भी हम सैर करने, वो फ्रेंडली है ना, वो एंजॉय करती है। हाँ जी क्लियर वाटर सिटी शुरू हो गया जी, यहाँ से शुरू है, यानी टेंपा खत्म हो गया, क्लियर वाटर सिटी, क्लियर वाटर में एंटर हो चुके हैं, क्लियर वाटर एंटर, और पहले डाउनटाउन क्रॉस करेंगे फिर हम बीच पे पहुंचे, फिर बीच पे पहुंचे, शहर क्रॉस करेंगे और बीच पहुंचे। तो ये लेफ्ट को कौन सी रोड जा रही है ब्रिज, ये लेफ्ट जाएगा सेंट पीट जो अभी आपको शहर बता, अच्छा अच्छा, और फिर अगर उसी को नीचे चले जाएंगे तो फिर आप मायामी जा सकते हैं इस तरह से, अच्छा इधर से भी मायामी, इधर से भी मायामी जा सकते हैं।
हेलो जी यार वाह वाह वाह, देखो वोटर पार्किंग है ये जी, इलेक्शन हो रहे हैं और इन्होंने अपने ये लगाए हुए हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान पोस्टरों से भर जाता है, झंडों से, कोई झंडा नजर नहीं आया। नहीं ये बकायदा इजाजत होगी, इतने दिन लगने हैं और उतने दिन लगेंगे और वो भी उतार लेंगे, और वो भी उतारेंगे, खुद आके उतारने हैं उन्होंने, जिसने लगाए वो उतारेगा। वाह वाह वाह, अगर मैंने 10 पोस्टर लगाए तो मुझे 10 उतारने हैं। क्या बात, और वो भी इजाजत से लगाऊंगा कि इतने लगाने हैं उतने ही उतारने हैं फिर आपके यहाँ के। तो ये सारे कैंडिडेट्स ने अपने पोस्टर लगा रखे। वाह, क्योंकि यहाँ वोटिंग शुरू हुई है, वो अर्ली वोटिंग है, यहाँ पे कोर्ट हाउस होगा ना, हाँ कोर्ट हाउस, हाँ। तो कोर्ट हाउस में वोटिंग हो रही होगी ना, ओके। ये देखे ना अर्ली वोटिंग, देखे ना अर्ली वोटिंग, हाँ। ये इस वक्त प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं। अफजल भाई कैमरा तैयार रखिएगा, सीन बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, तो रेडी है कैमरा, तो बिल्कुल ऑलरेडी रोल पे पड़ा हुआ है भाजी पर, देखिए और शीशे खोल दिए, शीशे खोल दिए, हाँ हाँ हाँ, अब आया ना सीन, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों साइड पे ये पुल से आएगा सीन। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम एंटर हो गए हैं जी। नहीं जी बिल्कुल, अब पार्किंग लॉट में जा रहे हैं और लग रहा है कि पार्किंग लॉट एम्प्टी है, हमें जगह मिल जाएगी। बारिश होके हटी है तो वो ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, बारिश सब भाग जाते हैं, बारिश में भाग जाते हैं, ये वो कीड़े हैं जो तो इस वक्त बारिश के बाद जो है रश खत्म हो गया है और हमें जगह मिल जाएगी, वरना यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। सही टाइम पे आए, रश कम है, रश है ही नहीं। अच्छा है। ये देखें जी रश कम है, बड़ा आराम से हम बैठेंगे, आज तो सुकून है जी, है ना, खीर होती है, बहुत रश होता है, बारिश, खड़े होने की जगह नहीं होती, बारिश का कमाल है, बारिश का। ये इस सैंड की वजह से इसे क्लियर वाटर बीच कहते हैं, क्योंकि ये आपको जो वाइट सैंड है ना, ये आपको इवन अटलांटिक ओशन में कहीं और नहीं मिलेगी, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको पे इस साइड पे सारी ये सैंड है, इसलिए इस एरिया को या ये बीच दुनिया के टॉप 10 बीचेस में से सैंड की वजह से, इसीलिए जो है पानी भी एक्चुअली लाइटिश ग्रीन है, ब्लू भी नहीं है, सैंड की शेड की वजह से। अंदर चल के देखते हैं, आए जी पानी में चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, पानी बड़ा गर्म है जी, कोसा कोसा पानी, हो 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 हो, आज तो मैं भी पानी में जाऊंगा और वो मैं लेके आता हूँ। कपड़े ले आए हैं जी? हाँ हाँ, बहुत बार आज तो हला लला हो जाए पानी में, मैं एक शर्ट लेके आता हूँ वो पहन के कर। चलो करें जी।
मगरिब का टाइम हो गया है और इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना साफ पानी, यहाँ बैठ के इतना मज़ा आ रहा है ना। और बेगम साहिबा भी इंजॉय कर रही हैं। कैसा है सीन पीछे, सीनरी है? वाकई यार मज़ा आ गया, क्या बात है, इतने खूबसूरत कुदरत के रंग, नीला पानी, ग्रीन पानी, पीछे ऑरेंज, येलो, वाइट, सुरमई बादल, काले बादल, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये था जी आज का हमारा व्लॉग क्लियर वाटर का। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, यूएसए के किसी और लोकेशन से, किसी और सिटी से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।